हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका कुकिंग स्टूडियो में। आज हम बनाएंगे बाजार जैसा सॉफ्ट और टेस्टी खम्मन की रेसिपी। आप बहुत ही कम टाइम पर और बहुत ही ज्यादा लाजवाब एकदम रुई जैसा सॉफ्ट खम्मन बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसे चारों तरफ से देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और एकदम जालीदार ये खम्मन बनकर तैयार हुआ है। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर खम्मन बनाना स्टार्ट करेंगे। खम्मन का घोल बनाने के लिए एक बर्तन लेंगे। एक कप बेसन का यहाँ पर खम्मन बनाकर तैयार करेंगे। ये 100 ग्राम बेसन है। बेसन को बर्तन में ऐड कर देंगे। खम्मन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने महीन वाले बेसन का यूज किया है। इसमें 2 टेबल स्पून पिसी हुई शक्कर ऐड कर देंगे और आधे टीस्पून इसमें नमक भी ऐड करेंगे और आधे टीस्पून हल्दी भी ऐड कर देंगे। खम्मन में खट्टे मीठे फ्लेवर के लिए 4 टेबल स्पून नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। इससे जो खम्मन का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसे एक चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने 250 ml पानी लिया हुआ है। पानी को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एक साथ पानी को यहाँ बिल्कुल ऐड ना करें। इस तरह से अच्छे से बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। इसमें कोई भी गांठ नहीं होनी चाहिए। इसे अच्छे से चम्मच से पहले मिक्स कर लें। चम्मच से मिक्स करने के बाद इसका हम एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएँ और यहाँ पर खम्मन का घोल बना लें। ये देखें, यहाँ पर मैंने 100 ml इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। जब तक हम यहाँ पर खम्मन बनाने का बर्तन तैयार कर लेंगे। आप जिस बर्तन में बना रहे हैं उस बर्तन में पहले से घी या तेल इस तरह से लगाकर तैयार कर लें, क्योंकि खम्मन का घोल बनने पर आपको सब कुछ यहाँ पर फटाफट करना होगा। यहाँ पर मैंने एक थाली तैयार कर ली है। अब यहाँ पर एक इनो का पैकेट लेंगे। खम्मन बनाने के लिए यहाँ पर इनो का ये ग्रीन वाला पैकेट लिया हुआ है। आप चाहे तो खाने वाला 1 टेबल स्पून सोडा भी ले सकते हैं। पैकेट को कट कर लेंगे और इस घोल में पूरे पैकेट का इनो ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से बेसन में मिक्स कर देंगे। जैसे जैसे आप इनो को बेसन में मिक्स करते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे बेसन काफ़ी अच्छे से फूल कर तैयार होता जाएगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएँ और खम्मन का घोल बनाकर तैयार कर लें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खम्मन का घोल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे यहाँ पर तेल लगी वाली थाली में फटाफट हम इस तरह से ऐड कर देंगे। खम्मन का बैटर ऐड करके थाली को इस तरह से थोड़ा सा हिला देंगे, जिससे कि खम्मन का बैटर अच्छे से बराबर हो जाए। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में 1.5 कप पानी पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम खम्मन वाली थाल को रख देंगे और यहाँ पर थाल को रख के गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। अब यहाँ पर कढ़ाई को कवर करेंगे और हाई फ्लेम पर खम्मन को भाप में 15 मिनट पकने देंगे। 15 मिनट हो चुके, खम्मन को चेक कर लेंगे, ढक्कन हटाएंगे। अब एक चाकू की मदद से खम्मन को चेक कर लेंगे। ये देखिए, इसमें काफ़ी अच्छे से बबल आ गए हैं। जब इस तरह से चाकू एकदम क्लीन निकला है तो खम्मन यहाँ पर एकदम अच्छे से पक चुका है। अब इसे एक तरफ ठंडा होने के लिए रखेंगे। खम्मन ठंडा होने के बाद थाली में इस तरह से चारों तरफ से निशान लगा देंगे, जिससे कि खम्मन अच्छे से आसानी से निकल आए। खम्मन को दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं। ये देखिए, खम्मन दूसरी तरफ से भी काफ़ी अच्छे से पक चुका है और ये एकदम जाली जैसा फूला फूला और एकदम सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको इसकी थाल दिखाती हूँ, एकदम ये क्लीन है। खम्मन को एक और दूसरी प्लेट में पलट लेते हैं, जिसमें हमें खम्मन को सर्व करना है। ये देखिए, यहाँ पर खम्मन को पलट लिया है। अब खम्मन के यहाँ पर हम पीस बनाकर तैयार कर लेंगे। आप अपनी पसंद की छोटी या बड़ी पीस बनाकर तैयार कर लें। खम्मन का तड़का बनाकर भी तैयार करेंगे। एक पैन में 2 टेबल स्पून तेल ऐड कर देंगे और तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे। तेल जैसे गरम होगा, इसमें 1 टीस्पून राई ऐड कर देंगे। राई जब अच्छे से यहाँ पर चटक जाएगी तब 4 से 5 हरी मिर्च बीच से कट की हुई इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही साथ 10 से 12 फ्रेश करी पत्ते ऐड करेंगे और आधा मिनट इसे फ्राई कर लेंगे। आधा मिनट बाद इसमें आधा कप पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करके 1 टेबल स्पून शक्कर भी ऐड करेंगे। खट्टे मीठे फ्लेवर के लिए आधी टी स्पून इसमें नींबू का रस भी ऐड करेंगे। आधी टी स्पून ये नमक है। अब इसको यहाँ पर अच्छे से चलाएँगे, पानी में एक अच्छा सा उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर तड़का बनकर तैयार है। इसे एक तरफ रख देंगे ठंडा होने के बाद। जब ये ठंडा होगा तो हम इसे खम्मन के ऊपर इस तरह से ऐड कर देंगे। तड़के को अच्छे से चारों तरफ खम्मन में फैला देंगे।
ये देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एकदम जालीदार खम्मन बनकर तैयार है। आप इसे चारों तरफ से देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी ये खम्मन बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस खम्मन की रेसिपी को बनाएं और बनाकर इंजॉय करें। बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।